उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां रिश्तों में अगर भरोसा ना हो तो अंजाम कितना खौफनाक होता है, उसकी तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर फिलहाल आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस क्या कह रही है, हत्या के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के अलीगढ़ से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। बेरहमी से हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो जांच में बात सामने आ रही है, घरेलू विवाद के चलते मृतका के पति ने ही उनकी हत्या की है। इसमें जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और अवगत कराया जाएगा। ये अभी जो जिस प्रकार की चोट बॉडी पे मिली है वो कोई धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। इसमें जैसे ही अभियुक्त की तलाश होती है और अभियुक्त मिलता है, उसी से ही आला कत्ल मिलने की उम्मीद है। वारदात के वक्त आरोपी ने अपनी बड़ी बेटी को छत पर भेज दिया और जब वो लौट कर आई तो उसके होश उड़ गए। उसकी माँ की गर्दन धड़ से अलग थी। मुझे छत पर भेजा मेरी अम्मी को, पर मिर्च काट ला। मेरी अम्मी और मेरा छोटा भैया ऊपर नीचे गए, मेरे पापा भी। मेरा छोटा वाला बाबू रोया एकदम, तो मैं नीचे गई तो मैंने नीचे जाके देखा अम्मी की गर्दन कटी हुई पड़ी, मैंने हाथ लगाए तो भाग गए मेरे पापा। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश कर रही है।